भारत में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगहें हैं। फर्क इतना ही कि हमें उनके बारे में जानकारी नहीं है। ज्यादातर लोगों को देश की अलग अलग सभ्यता और संस्कृति जानने की इच्छा होती है, जिसके लिए वे एक बार जरूर घूमने का प्लान बनाते हैं। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं और नई नई जगहों के बारे में जानने के इच्छुक हैं, तो आज हम आपको गुजरात की सैर करवाते हैं। गुजरात में घूमने के लिए कई खूबसूरत प्लेस हैं जो टूरिस्टों के आकर्षण का केंद्र है। गुजरात में कृष्ण के द्वारका नगरी के साथ साथ मोहब्बत का मकबरा भी मशहूर है। यहाँ देखने के लिए कई प्राचीन राजाओं महाराजाओं के किले हैं। सैयद मस्जिद, यह मस्जिद गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, जिसका निर्माण 1573 में हुआ था। इस मस्जिद को एबिसिनियन सिद्दी सईद ने बनवाया था। इस मस्जिद को अहमदाबाद की प्रसिद्ध मस्जिदों में एक माना जाता है। अदालज स्टेपवेल राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांधीनगर से 15 किमी दूर अदालज स्टेपवेल नाम का एक कुआं है, जो अपनी अद्भुत वास्तुकला और नक्काशी के लिए मशहूर है। साबरमती आश्रम, इस आश्रम का निर्माण महात्मा गांधी ने 1917 हुआ, जिसे उन्होंने सत्याग्रह आश्रम का नाम दिया था। इसके बाद जब यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे पर परिवर्तन हुआ, तो इसका नाम साबरमती आश्रम रख दिया गया है। द्वारका, द्वारका शहर को 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने बसाया था, जिसे द्वारका नगरी कहा जाता था। यहाँ जिस स्थान पर भगवान कृष्ण का महल था, वहाँ आज प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर है। मोहब्बत का मकबरा जूनागढ़ के मशहूर टूरिस्ट पैलेस में से एक है। इसे शुरुआत में जूनागढ़ के नवाबों द्वारा निजी महल के रूप में प्रयोग किया जाता था। 1878 में महाबत खान जी ने इसका निर्माण शुरू किया था और 1892 में बहादुर खान जी ने इसे पूरा किया था। अपनी कला और वास्तुकला की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक है और सबसे पुराने मुगल स्मारकों में शामिल है। मकबरे के बारीकी से तैयार किए गए मेहराब, ऊर्ध्वाधर स्तंभ और दीवारें, साथ ही खिड़कियों के पत्थर पर नक्काशी एक उत्कृष्ट कृति है। इसके चांदी से सजे पोर्टल, घुमावदार सीढ़ियां, चार लंबी मीनारों से घिरे मैदान में बने पुराने स्टेपवेल और इसका प्याज के आकार का गुंबद इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।